हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड स्वागत है आप सब लोगों का सुनील गेमर की एक और न्यू वीडियो के अंदर। सो गाइस, जो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ऑसम है, क्योंकि इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको पबजी मोबाइल के न्यू टीडीएम मैप, मतलब कि उसका नाम है द टीम डेथ मैच द रूइंस, सो उसकी मैं आप लोगों को 10 टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जो कि काफ़ी ऑसम है और उनको यूज़ करके आप हर एक गेम विक्ट्री ले सकते हो। अब आप सब लोगों से छुपा तो हुआ नहीं, आप लोगों को पहले ही पता है कि पबजी मोबाइल का कुछ ही दिन पहले, मतलब एक हफ्ते पहले, एक नया अपडेट आया था और उसके अंदर टीडीएम का एक नया मैप आया है। सो ये काफ़ी अमेजिंग मैप है, टीडीएम ही है, लेकिन क्या है कि ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का, ये मैप बहुत ही अलग है। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं उसकी जो है 10 टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, एंड ये वाली वीडियो शूट करने में मेरे को तकरीबन 4 से 5 घंटे लगे हैं, क्योंकि जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने ढूंढी है वो बहुत ही सीक्रेट है, बहुत ही ऑसम है, इनको यूज करके आप इजीली हर एक गेम विन कर सकते हो। सो प्लीज यार गाइस, एक आपका लाइक बनता था, प्लीज जो भी बंदा देख रहा है प्लीज लाइक कर देना, एंड अगर आप नए हो और ऐसी पबजी मोबाइल के टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस और देखना चाहते हो तो आप लोगों से गाइस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइस, आपका ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं बताता हूं आप लोगों को 10 टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कि काफी ऑसम है। तो पबजी मोबाइल की गाइस जो पहली टिप्स एंड ट्रिक्स है वो काफी ऑसम है, एंड ये जो है आप लोगों को बहुत ही ज्यादा जो है पसंद आएगी। सो ये टिप्स एंड ट्रिक्स किस तरीके से काम करती है और कैसे काम करेगी वो मैं आप लोगों को बताता हूं। अब देखो, इस वीडियो में मैं तुम लोगों को एक बार बता देना चाहता हूं यार कि यहां पे देखो, टिप्स एंड ट्रिक्स शूट करने के लिए मेरे को एनिमी से फाइट भी लेनी है, तो मैं जो तुम लोगों को फाइट भी लेके बताऊंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे यूज करनी है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले पहली जो टिप्स एंड ट्रिक्स हो यहां पर वर्क करती है, तुम लोग यहां पर चुपके इजिली एनिमीज को किल कर सकते हो। अब ये कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, या फिर कोई मतलब कि ट्रिक्स नहीं है, या फिर कोई टिप्स नहीं है, बस ये जो है मैं तुम लोगों को नॉर्मली बता रहा हूं सबसे पहले, लेकिन ट्रिक क्या है वो मैं जो है आप लोगों को आगे जो है पता चलने वाला है। तो एक लोकेशन है जहां से आप इजिली मतलब कि अगर दरवाजे से कोई बंदा आ रहा है तो उसको मार सकते हो, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है पता है, सामने से जो है आपको कोई भी एनिमी मार सकता है, सामने अगर कोई एनिमी आएगा तो इजिली आप शूट करेगा और आप इजिली किल हो जाओगे, आपको रिएक्शन टाइम का मौका भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप लोगों को मैं एक ट्रिक्स बताता हूँ, ट्रिक क्या है, आप लोगों को इधर की तरफ आना है और थोड़ा पीछे होना है। ओके, पीछे होने के बाद आप लोगों को जंप करना, और जंप करते ही बूम गाइस आप यहाँ पे आ जाओगे। अब यहाँ पे आने के बाद इजिली आप लोग किसी भी एनिमी को मार सकते हो, अगर पीछे से कोई एनिमी आ रहा है तो उसको भी आप इजिली जो उस पर शूट करके मार सकते हो, और अगर यहाँ पे कोई बंदा आता है तो आपको पीक एंड फायर लेना है, एंड जैसे ही कोई बंदा निकलेगा वो भी सोचेगा नहीं कि यहाँ पे भी बंदा हो सकता है, एंड इजिली आप लोग जो है उसको मार सकते हो। तो ये वाली जो ट्रिक है वो बहुत ही ऑसम है, इसको मैं कई बार अपने गेम में यूज करता हूँ, एंड एनिमी कन्फ्यूज हो जाता है, 1 से 2 बार एनिमी को आप इजिली जो है ऐसे मार सकते हो, फिर तो एनिमी को पता चल जाएगा वो आपको मार ही देगा। और अगली जो ये ट्रिक है वो ये है कि आप लोग यहाँ पे भी छुप सकते हो, यहाँ से भी मतलब कोई बंदा निकलेगा तो सीधा भागेगा, एंड उसको भी आप लोग जो है इजिली यहाँ पे जो है किल कर सकते हो। तो पहली जो ट्रिक थी वो ये थी, अब मैं बताता हूँ आप लोगों को दूसरी ट्रिक। तो दूसरी ट्रिक है वो भी काफ़ी ऑसम है, एंड ये भी तुम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन देखो यार मैं तुम लोगों को पहले ही बोलना चाहता हूँ यार, क्योंकि जो ये टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, ये शूट करने के लिए मैंने कोई रूम नहीं बनाया था, सामने एनिमीज थे, और इसमें डिसएडवांटेज ये है कि एनिमीज कहीं पर भी स्पॉन हो जाते हैं, मैंने एक बंदे को किल किया वो बंदा मेरे पीछे भी स्पॉन हो जाएगा, मेरे को मार देगा और मैं उसको मार भी नहीं पाऊंगा। तो इसके लिए जो है इस वाली वीडियो के अंदर मेरे को जो है फाइट भी लेनी पड़ी एनिमीज से, मैंने बंदों से फाइट ली, ये देखो मैंने आगे मारा और वो बंदा मेरे पीछे स्पॉन होकर मेरे को मार के चला गया। सो अब मैं तुम लोगों को ट्रिक बताता हूँ कि ट्रिक क्या है। ओके, तो देखो यार इस वाले गेम प्ले वीडियो के अंदर मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, कभी इतनी मेहनत नहीं लगी जितनी आज लगी थी, लेकिन तो भी मैंने इस वीडियो को शूट किया, एंड मैंने सोचा यार क्यों ना 10 टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाए, एंड ये मेरे पास कंटेंट था तो मैंने ये वीडियो बनाई, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को सपोर्ट करना। तो ट्रिक क्या है गाइस, आप लोगों को इधर की तरफ आना है और यहाँ पे कुछ आप लोगों को मतलब कि कुछ पत्थर से पड़े होंगे, आपको इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे आप इजिली जो है सिंपल तरीके से ऊपर नहीं चढ़ पाओगे, आपको क्या करना है, इसके पीछे की तरफ कुछ पत्थर वगैरह पड़े हैं, आपको यहाँ पे चढ़ना है, यहाँ पे चढ़ने के बाद आप लोगों को जंप करना, और जंप करते बूम आप यहाँ पे आ जाओगे। अब यहाँ पे क्या नहीं कहा, बहुत ज्यादा नर्वस हो चुका था मैं, सोचा था कोई बंदा ना आ जाए, मेरे को मार ना दे, इसीलिए फटाफट से मैं टिप्स एंड ट्रिक्स कर लेता हूँ, लेकिन तो भी यार बंदा यहाँ पे कोई नहीं आया, और आपको यहाँ पे चढ़ना है, फिर आपको यहाँ पे चढ़ना है, फिर आपको जंप करना, और जंप करते ही बूम आप यहाँ पे आ जाओगे। अब देखो यार इस जो मतलब ये वाला जो जो मतलब मैप है ना, इसके अंदर क्या है कि मतलब बहुत ही ज्यादा घास फूस है, तो आप लोग अगर यहाँ पे रहोगे आप लोग लेट जाओगे, देखो खड़े रहोगे तब तो आपको कोई भी मार देगा, अगर आप लेट जाओगे, लेट के अगर आप स्प्रे करोगे कोई भी सामने से बंदा आ रहा हो तो उसको ईजी मार सकते हो। देखो सामने से जो बंदा था उसको मैंने कितना डैमेज दिया, उसको पता भी नहीं चला होगा कि कहाँ से मतलब कि गोली पड़ी है, लेकिन दरअसल यहाँ पे हुआ क्या था कि बंदा पीछे छुप गया था, उसको ये देखो सामने आया और उसको मैंने इजी किल कर दिया, वो मेरे को स्पॉट नहीं कर पाया, क्योंकि हर एक बंदा सोचेगा यार कि बंदा नीचे से चला रहा होगा, कहीं से पीक लेकर चला रहा होगा, लेकिन अब इतनी ऊंचाई पर रहोगे तो कोई बंदा शक भी नहीं करेगा। तो ये जो ट्रिक है वो काफी ऑसम है, जिसके जरिए इजिली आप लोग जो है एनिमीज वगैरह को किल कर सकते हो, एनिमीज वगैरह को मार सकते हो। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को अगली ट्रिक। अब जो अगली ट्रिक है वो क्या है और ये किस तरीके से काम करती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस, मैं इधर की तरफ सामने भाग के जा रहा हूँ, तो इस वाली लोकेशन पे आप लोगों को आना है, और यहाँ पे बहुत ही ऑसम ट्रिक है, इस ट्रिक को अगर आप अपने गेम में यूज करोगे तो 100% आप बहुत एनिमीज को मार सकते हो। आपको इसके ऊपर चढ़ना है, इसके ऊपर चढ़ने के बाद एक और जंप करना, और जंप करते ही बूम आप यहाँ पे आ जाओगे। अब ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा भाई यहाँ पे तो कोई भी बंदा देख लेगा, लेकिन भाई नहीं देखेगा, क्योंकि ये लोकेशन ऐसी है जहाँ पे आप थोड़ा सा मतलब कि स्पॉट हो गया, बंदा जब तक रेडी होगा आप गन चलाने के लिए आपके पास ज़्यादा एडवांटेज रहेगा, एंड आप इजिली जो है बंदे को मार सकते हो। अब यहीं से जो है मैं आप लोगों को बंदों को किल करके बताऊंगा, बंदों को मार के बताऊंगा, जो कि आप लोग देख लेना। यहाँ से
जो है आप इजीली नेट भी कर सकते हो, लेकिन मैंने देखो ग्रेनेड मैंने कितना गलत किया है यहाँ पे मैंने ग्रेनेड गलत कर दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो अपना ग्रेनेड सही करना है। और अभी तुम लोग देखोगे मैं यहाँ पे किल भी करके बताता हूँ आपको। अब ये वाली जो लोकेशन है काफ़ी ऑसम है, और यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे बंदे जो है इधर उधर से आते रहते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ही बंदा आया एंड वो उस बंदे को मतलब कि रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला उस बंदे को, मेरे को देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन उससे पहले मैंने उसको जो है किल कर दिया। सो ये वाली जो ट्रिक है वो भी काफ़ी ऑसम है, जिसको आप लोग अपने गेम में यूज़ कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। सो ये वाली जो ट्रिक है वो काफ़ी ऑसम है, एंड इस ट्रिक को जो है मैंने फर्स्ट पर रखने वाला था, लेकिन मैं एडिटिंग के टाइम पर मैंने इसको बाद में रख दिया। लेकिन ये ट्रिक जो है तुम लोगों के लिए काफ़ी ऑसम है, काफ़ी काम आएगी। इस ट्रिक को यूज़ करके भाई तुम लोग ईजिली जो है एनिमीज को मार सकते हो, बंदा भी नहीं सोचेगा कि तुम लोग वहां पे कैंप कर सकते हो। सो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि आप लोगों को इसी वाली लोकेशन पे आना है। अब लोकेशन सबको पता है, यहां पे आने के बाद आप लोगों को कुछ एक झाड़ सा दिखेगा, मतलब कुछ पौधा दिखेगा, पेड़ तो नहीं बोलेंगे इसको, पौधा बोलेंगे। सो आप लोगों को पौधे के पास आना है, और यहां पे आने के बाद जो है आप लोगों को इस पौधे के अंदर जो है छुप जाना है। अब जैसे ही इसके अंदर आप छुप जाओगे उसके बाद अब इजिली किसी भी एनिमी को मार सकते हो। बस इतना करना है कि आपको थोड़ा सा पौधे के थोड़ा सा आगे आना है और आप लोगों को फॉरेक्स लगा लेना है अपने गन पे। ओके, जैसे आप फॉरेक्स लगाओगे उसको तो आप लोगों को पूरा व्यू देखने को मिलेगा, बंदा आपको कभी स्पॉट नहीं कर पाएगा एंड आप इजी मार सकते हो। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी तुम लोग यहाँ पे आते हो तो आप लोगों को अपने जो क्लोथ्स होते हैं, जो मतलब जो अपने कपड़े होते हैं, उन कपड़ों को आपको हटा देना है, एंड उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे छुप जाना है। भाई मजा ले कोई यहाँ पे आप लोगों को देख पाए, एंड इजी आप लोग जो है यहाँ पर मार सकते हो। जिसके आप लोगों ने देखा कि मैंने ग्रेनेड किया और ग्रेनेड परफेक्ट था। हाँ भले ही मेरा टीममेट मारा हो, लेकिन था परफेक्ट, मतलब बंदा तो मरा ना। तो ये ट्रिक काफ़ी ऑसम है गाइस, इसको आप लोग जो है अपने गेम में यूज कर सकते हो। एंड 100% मैं बता रहा हूँ कि आप लोग एक से दो एनिमी को ईजी मार दोगे। ये तुम लोग अपने फन के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो ये बंदा अभी भी स्पॉन हुआ एंड मैं इसको नहीं मार पाया, कितना हिट दिया, लेकिन इसके पास वो एनर्जी था एंड इसके लिए इसने मेरे को मार दिया। तब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। सो जो नेक्स्ट ट्रिक है वो काफ़ी ऑसम है, एंड ये वर्क करता है ऊपर वाली बिल्डिंग पे। अब आप सभी लोगों को उससे कुछ छुपा नहीं है, आप लोगों को वैसे ही बताएं कि देखो ये वाला जो टीडीएम मैप है, जो नया वाला मैप है, इसके अंदर क्या है कि ऊपर की तरफ सीढ़ियां हैं, यहां पे भी हम लोग चढ़ सकते हैं। ओके, तो यहां पे बहुत ही ऑसम ट्रिक है। ट्रिक क्या है, आप लोगों को इधर की तरफ आना है, फिर आपको यहां पे आना है। यहां पे आने का बूम कुछ जादू होगा, मतलब हवा में उड़ने लगोगे, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी सी परत है जिसके ऊपर आप चल पाओगे, आपको पता नहीं होगा लेकिन उनको बताई। अब यहां पे आप लेटे लेटे इजिली आप किसी भी एनिमी को मार सकते हो, एंड सबसे जो बड़ी एडवांटेज रहती है इस लोकेशन पे वो ये रहती है कि आप लोग यहां पे बैठे बैठे, मतलब यहां पे अगर आप लेटे रहोगे तो लेटे लेटे आप लोग किसी भी एनिमीज को मार सकते हो, कोई भी एनिमी आपके सामने आएगा उसको मार सकते हो। अगर आपने क्लॉथ्स उतार दिए तो भाई घास के अंदर आप बिल्कुल भी नहीं दिखोगे। मेरे को यहाँ पे ना इस लोकेशन पे मेरे को एक एनिमी ने मारा था, तो मेरे को पता चला कि भाई ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी है, मैं बता देता हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सो ये वाली जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ना वो काफ़ी ऑसम है भाई, इस ट्रिक को आप अपने गेम में पक्का यूज़ करना, मैं पक्का बता रहा हूँ, बंदे शौक हो जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। सो जो नेक्स्ट ट्रिक है गाइस वो भी काफ़ी ऑसम है। अब ये देखो सेमी जगह पर वर्क करती है। अब आप सब लोगों को गाइस वैसे ही पता है कि देखो ये ऊपर वाली जो जगह है ना, जहाँ पे आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हो, जो कि मतलब काफी टॉप पे है। ओके, तो यहाँ पे जब आप चढ़ते हो तो यहाँ पे क्या है ना कि ये जो जगह ऐसी है जहाँ पे हर जगह से बंदे आ सकते हैं, हर कोने से बंदे आ सकते हैं, ऊपर से आ सकते हैं, लेफ्ट राइट कहीं से भी बंदे आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तुम लोगों को ट्रिक बताता हूँ। तो ट्रिक क्या है, तुम लोग ऊपर चढ़ सकते हो इसके ऊपर। तो ऊपर कैसे चढ़ोगे, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जंप करना है, जंप करने के बाद एक और जंप करना, और जंप करते ही एक और जंप करना, और जंप करते ही बूम गाइस आप यहाँ पे आ जाओगे। अब यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को काफी अच्छा खासा मतलब कि आप लोगों को व्यू मिलेगा, यहाँ से आपको टॉप का व्यू मिलेगा। ऊपर से कोई बंदा है तो उसको भी आप लोग मार सकते हो, उसके साथ राइट लेफ्ट से बंदा आएगा तो हमेशा सोचेगा कि भाई सामने से तो मेरे कोई बंदा नहीं आ रहा, वो राइट लेफ्ट देखेगा लेकिन वो कभी ऊपर नहीं देखेगा, एंड ऊपर देखेगा तो वो उसको वो जगह देखेगा जहां से कोई बंदा आ सकता है। लेकिन आप इम्पॉसिबल जगह पे हो जहां पे कोई बंदा आपको नहीं देख सकता, एंड अगर आप नहीं देखे तब इजिली एनिमीज को मार सकते हो। तो ये जो ट्रिक है वो काफी ऑसम है, इसको आप लोग अपने गेम में पक्का वाला यूज करना। एंड देखो जहां पे मैं मतलब ग्रेनेड कर रहा हूं ना, वहां पे क्या है ना कि कई बार बंदे छुपते हैं, वहां पे छुपने की जगह है, तो इसको जो है यहां पे चढ़ के आप इजिली जो है उस बंदे को भी जो है मार सकते हो। तो ये वाली जो ट्रिक है गाइस वो भी काफी ऑसम है, जिसके जरिए इजिली आप लोग बैठे बैठे यहाँ पे किसी भी एनिमी को किल कर सकते हो, कोई भी एनिमी को मार सकते हो। तो ये भी ट्रिक काफी ऑसम है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। सो जो नेक्स्ट ट्रिक है वो ये है कि आप लोगों को हाई जहाँ पे मतलब आप लोग जो है सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हो, इस जगह पे आप लोगों को पता होगा, एक बात आप लोगों को पता होगी, नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो आपको सामने की तरफ कुछ जो है मतलब कि एक ऐसे कुछ आधे पेड़ गिरे हुए मिलते हैं और कुछ ऐसी लोकेशन है, तो यहाँ पे है ना इसके ऊपर आप नहीं चढ़ सकते बिल्कुल। इसके ऊपर आप जाओगे ना तो आप लोगों को कुछ मतलब पबजी ने ब्लॉक कर रखा है, इसके ऊपर आप बिल्कुल भी नहीं चढ़ सकते। लेकिन मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जिसके जरिए आप इसके ऊपर भी चढ़ सकते हो। जी हाँ, सो उसके लिए क्या करना है आप लोगों को, आपको सबसे पहले सीढ़ियों से जो है ऊपर की तरफ जाना है। और यहाँ पे एक ट्रिक है, पूरा ऊपर नहीं चढ़ पाओगे लेकिन जितना चढ़ पाओगे मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को करके बताऊंगा। सो तुम लोग देखना। ओके,
तो आप लोगों को यहाँ पे आना है, फिर आपको एक जंप करना है, जंप करने के बाद आपको आगे की तरफ आना है, एक और जंप करना है, जंप करते ही बूम गाइस आप यहाँ पे आओगे। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, बिल्कुल भी अपने क्रॉसर को हिलाना मत, अगर तुम क्रॉसर को इधर उधर करोगे तो पक्का वाला तुम गिरोगे। मैं बहुत बार गिरा था इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। तो तुम लोग अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर तुम्हारा हो ही जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद जो है तुम लोग यहाँ पे जंप करके आप लोग यहाँ पे आ सकते हो एंड यहाँ से भी एनिमीज को मार सकते हो। लेकिन देखो एक्चुअल में सिंपल बात जो है ना वो ये है कि देखो यहाँ पे है ना आप लोग रह के एनिमीज को किल नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, लेकिन आप अपने दोस्तों को बता सकते हो। ये सिर्फ मैंने दोस्तों को बताने के लिए ट्रिक लगाई है, बाकी एनिमीज को किल मतलब देखो कभी कभी कोई ऐसा चांस होगा जब ये बंदा आपको स्पॉट नहीं कर पाएगा, बंदा सोचेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा चढ़ नहीं पाता ना, इसलिए सोचेगा नहीं, तो उस वक्त पे जो है आप लोग इन बंदों को जो है मार सकते हो। तो ये भी ट्रिक काफ़ी ऑसम है, फन वे के लिए यूज कर सकते हो, किल के लिए यूज कर सकते हो, जिससे यूज करना हो कर सकते हो, लेकिन अच्छी ट्रिक है इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए बताई। ओके, अब जो नेक्स्ट ट्रिक है वो भी काफ़ी ऑसम है एंड ये भी तुम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सो ये वाली जो ट्रिक है वो वर्क करते ही यहाँ पे, अब आप सब लोगों को पता है यार ये लोकेशन एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे हर जगह से बंदे आते हैं, सामने से बंदे आएंगे, लेफ्ट से आएंगे, राइट से आएंगे, मतलब 3 से 4 गलियां हैं यहाँ पे जहाँ से जो है बंदे आते ही आते हैं। सो मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ जिसके जरिए भाई यहाँ पे मैं खड़ा खड़ा है ना तकरीबन 5 से 10 किल करूंगा एंड तुम लोगों को मैं बताऊंगा, लेकिन कोई बंदा मेरे को स्पॉट नहीं कर पाएगा। सो वो कैसे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको करना है कि आपको पीछे की तरफ आना है और ये वाला जो पत्थर दिखाई दे रहा है ना आपको पत्थर के पीछे टीपी भी लेना है, बस आपका काम हो गया। देखो इस वाली वीडियो के अंदर मेरे को नंबर 1 जो टिप्स एंड ट्रिक्स लगी वो मेरे को यही लगी एंड शायद तुम लोगों को ये लगी होगी। अब यार अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है ना तो प्लीज़ आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे को पक्का वाला बताना है कि आप लोगों को कौन सी ट्रिक अच्छी लगी। मेरे को ये पत्थर वाली जो ट्रिक है ना बहुत अच्छी लगी, इसको मैं हर गेम में यूज़ करता हूँ क्योंकि ये एक लीगल ट्रिक है, इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो एंड बंदा आपको स्पॉट बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। देखो अगर पीछे से कोई बंदा आएगा, हाँ अगर वहाँ पर स्पॉन हो जाए तो वहाँ से बंदा आ सकता है, बाकी बहुत ही कम चांसेस में वहाँ से बंदे आते हैं। बाकी आप लोग जो है अगर सामने से कोई बंदा आ रहा है, लेफ्ट से कोई बंदा आ रहा है, आपके टीममेट से कोई फाइट ले रहा है तो उसको इजीली आप लोग मार सकते हो, आप लोग यहाँ पे ग्रेनेड भी कर सकते हो। तो ये वाली जो ट्रिक है ना वो भाई बहुत ऑसम लगी मेरे को, तुम लोग अभी आपके सामने ही देखो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो मैंने ग्रेनेड किया एंड ग्रेनेड मेरा परफेक्ट था, बंदा मरा भी। ओके अब देखो पीछे से बंदे आ गए, मैंने बोला था ना पीछे स्पॉन हो गए तो आ सकते हो, और यहाँ पे देखो बंदों का बिल्कुल भी मतलब कि जो ध्यान है ना वो मेरी तरफ नहीं है, इस बंदे का मेरी तरफ ध्यान है, लेकिन ध्यान होने से क्या होता है, इसको ही मैंने मार दिया। तो ये वाली जो ट्रिक है ना वो काफ़ी ऑसम है, आपके सामने मैंने जो है 6 किल कर दिए, मतलब यार 5 किल किए हैं लेकिन 5 के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पे देखो इसको मैं 6 किल भी कर देता लेकिन अभी नहीं हुआ किल। तो ये जो ट्रिक है वो काफ़ी ऑसम है गाइस, जिसको अपने अपने गेम में यूज़ कर सकते हो और 100% ये ट्रिक मेरे को बहुत पसंद आई। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। तो जो नेक्स्ट ट्रिक है भाई काफी ऑसम है एंड ये जो ट्रिक वर्क करती है वो यहां पे वर्क करती है। सो आपको यहां पे आना है, फिर आपको एक जंप करना है और जंप करने के बाद लेज ग्रैब की मदद से आप यहां पे आ जाओगे, इस कोने में आप बिल्कुल छुप सकते हो एंड यहां पे रहने के बाद अगर कोई एनिमी लेफ्ट से राइट जा रहा है फिर राइट से लेफ्ट जा रहा है तो उसको ईजी आप लोग मार सकते हो, जो कि आप लोग देख रहे हो कि यह ट्रिक कितनी ऑसम है। आप लोग अपने गेम में यूज करोगे तब आप लोगों को इसके बारे में पता चलेगा। सो गाइस उम्मीद करता हूं आपको आज का जो टिप्स एंड ट्रिक्स का जो वीडियो है बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, बहुत ज्यादा मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, लेकिन मैंने इस वीडियो के अंदर जितनी हो सकी इस मैप की कोई एक कोना नहीं छोड़ा है, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को बताई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय गाइस एंड कौन सी ट्रिक अच्छी लगी मेरे को जरूर बताना। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, थैंक यू सो मच गाइस।